जा सकती है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कुर्सी। ब्रेक करें इसको राहुल। सिर्फ ब्रेकिंग, पेंटागन की लीक रिपोर्ट के हवाले से सनसनीखेज दावा, जल्दी देश के अंदर बढ़ सकता है जेलेंस्की का विरोध। अमेरिका को नहीं लगता कि इस साल खत्म होगी जंग। नाउ विद द विजुअल्स राहुल, जा सकती है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कुर्सी। जेलेंस्की के शॉट दिखाइए। पेंटागन की लीक रिपोर्ट के हवाले से सनसनीखेज दावा, जल्द ही देश के अंदर बढ़ सकता है जेलेंस्की का विरोध। अमेरिका को नहीं लगता कि इस साल खत्म होगी जंग। सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए। कीव में सत्ता परिवर्तन इस वक्त की बड़ी खबर, यह हमारे पास फैक्ट्स है। सायरन ऑन रखिएगा इसमें। यहां पर पेंटागन की लीक रिपोर्ट, सिर्फ यही खबर रखिए, इस साल ना रूस और ना ही यूक्रेन अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। कीव अपने हर आखिरी नागरिक को जंग में भेजने पर मजबूर होगा। जेलेंस्की फुल मोबिलाइजेशन की कोशिश में अलोकप्रिय हो सकते हैं। जेलेंस्की के खिलाफ नाराजगी बढ़ने से उनकी सत्ता जा सकती है। मॉस्को और कीव दोनों ही के पास जरूरी हथियार और सैनिक नहीं है। युद्ध 2024 तक जाएगा, दोनों मामूली गेन ही हासिल कर सकते हैं। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए एंबेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, यह लीक रिपोर्ट जो है इसने बड़ा नुकसान किया है, लेकिन जेलेंस्की की कुर्सी जा सकती है, क्या आपको भी ऐसे इंडिकेशंस लगते हैं? जो कुछ आपने कहा मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरे बारे में मैं आपसे सीखता हूं और आभारी हूं कि आप मुझे मौका देते हैं आपके चैनल पर आने का। एंजॉय इट वेरी मच। जनरल साहिबान तो आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रन ऑफ इंडिया है और उनसे भी सीखने को मिलता है आपके कॉरेस्पॉन्डेंट से। सो थैंक यू सर, प्लीज कीप इनवाइटिंग मी, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आपको पता है हाल ही में क्या आरोप लगाया गया है बोलो जेलो पे कि $400 मिलियन अगवा कर लिया उसने, करप्शन, और फिर पिछले साल उसने अपनी टीम के कुछ लोगों को निकाल दिया कि ये बड़े भ्रष्ट लोग हैं। ये नहीं बोला कि सबसे बड़ा भ्रष्टों का पाप तो मैं हूँ। सो दैट वॉज द फर्स्ट शॉट। सेकेंड शॉट, अब ये कूल रूमर्स जो शुरू हो गया मोबिलाइजेशन वगैरह, वो है सर, उससे डर लग रहा है। अगर आप सब कुछ को इकट्ठा करें, मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये जंग अब खत्म होगी। या तो एक साइड डिसाइसिवली मिलिटरली जीत जाती है, या फिर एक तरफ या दूसरी तरफ उनके जो नेता हैं जो भड़का रहे हैं सबको, उनको बाहर निकाल दिया जाए। आई हैव सीन दिस सर, 50 साल के डिप्लोमेटिक करियर में मैंने कई बार ये देखा। सर अगर आधा मिनट मेरे पास और है, अगर टाइम हो तो इतना बताना चाहता था थोड़ा, हम लोग कई बार इसका बैकग्राउंड भूल जाते हैं। 2008 में सर, मैं विकीलीक्स की बात कर रहा हूँ, जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर उस समय थे सर्गेई लैवरोव, आज भी हैं, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो अब CIA के चीफ हैं विलियम बर्न्स से एक चीज कही थी, मिस्टर बर्न्स यूक्रेन गेटिंग इनटू नेटो इज नियत, यू अंडरस्टैंड नियत, वो नहीं समझा। फिर जो कुछ उसके बाद में हुआ होता गया, और फिर आपको मालूम है सर कि फरवरी पिछले साल में ये गए थे मॉस्को, ये बीजिंग ओलंपिक्स के लिए। मेरा विश मानना है कि उस समय पुतिन ने पिंग पोंग से बोला कि पिंग पोंग मैं हमला करने वाला हूं यूक्रेन पे, तो पिंग पोंग ने चश्मा उतार के हिंगे हुंगे देखा, बोला टाइगर हमला कर दे। ओलंपिक्स के बाद, ओलंपिक्स खत्म हुए, अगले दिन दोनबास लुहांस को अब्सॉर्ब किया और उसके एक दिन बाद हमला किया। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसीलिए शांति की कोई संभावना नहीं है विदाउट एक साइड जीत जाए या फिर कू हो जाए। सर, एब्सोल्युटली राइट। सर कू की आप बात कर रहे हैं तो मैं अगली खबर बताना चाह रहा हूं।